हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? माई सेल्फ हरीश अग्रवाल। तो आई दोस्तों, आज की वीडियो में करते हैं अपना एक्सरसाइज 5.3 का, जो अपना एग्जांपल नंबर 14 है, उसको देख लेते हैं। हिंदी में देखेंगे पहले कि हमें हिंदी में क्या गिवन है कि निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए, और हमें दो पार्ट दिए हुए हैं। फर्स्ट पार्ट की बात की जाए तो उसमें गिवन है प्रथम 1000 धन पूर्णांक, और सेकंड पार्ट में प्रथम एन धन पूर्णांक। ओके जनाब, हमें ये दिए हुए हैं, हमें इनका वो निकालना भी कितना आएगा, क्या कुछ आएगा। अब इंग्लिश में बात की जाए, फाइंड द सम ऑफ, ओके जनाब, द फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर। ओके, कि सम निकालना है फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स का, द फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीजर, और सेकंड पार्ट में जो फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीजर होंगे उसका क्या आएगा। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट, है ना। फर्स्ट में क्या निकालना है हमारे, पहले 1000 पॉजिटिव इंटीजर, तो 1000 हमारे यानी लिख देते हैं क्या, द फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर, द फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर, यानी पहले 1000 धनात्मक पूर्णांक, ये निकालना है। ठीक है, तो पहले 1000 दोस्तों कौन कौन से होंगे अपने, सिंपल सी बात है, एक से शुरू होते हैं, दो तीन और ये चलते रहते हैं, जी लास्ट में कितना दे रखा है 1000, यही होगा। इसमें बात की जाए तो ए की वैल्यू कितनी है, 1 ही है, बी की वैल्यू कितनी है, 2 में से 1 गया, एक ही है, समझ गए। और लास्ट में ए एन दे रखा है, कितना 1000 है, एन भी कितना है 1000 ही टर्म है। इसको दोस्तों सोल्व करने के लिए हमने दो फॉर्मूले थे हमारे, मैंने कहा था कि फर्स्ट और लास्ट टर्म डी होना, तो हम हमारा जो एस एन का ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ए प्लस के ए एन। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जब है ना इस फॉर्मूले से भी निकालोगे ना, तो इससे भी आपका आंसर सेम ही आएगा, उससे कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, दिखा दूंगा आपको मैं निकाल के कि एन देखिए, हमें एन कितना गिवन है, एस निकालना ना, मैं एन कितना है 1000 डिवाइड बाई 2, ए की वैल्यू कितनी है 1, ए एन की, ए एन कितना है 1000 है, 2 से 500, इन दोनों को ऐड किया 100, 1 500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा जी ये। ठीक है, क्लियर है। अब यही देखिए, यहाँ पे दिखाता हूँ आप लोगों करके मैं, एन की वैल्यू कितनी है 1000 डिवाइड बाई 2, ए की वैल्यू 1 है, एन की वैल्यू 1000 माइनस 1, और डी कितना है जी 1, कट किया कितने से हो जाएगा 500 से, 2 प्लस इसमें से माइनस किया 999। ठीक है, इन दोनों को ऐड किया जी, बन गया ना सेम। ठीक है दोस्तों, मैंने सेकंड पार्ट ये इसलिए कि आपको दिखाने के लिए कि कोई जरूरी नहीं है, अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं रहता है ना, तो इस फॉर्मूले से करके है ना आप अपना आंसर इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, लेकिन बात क्या है कि जब भी हम ये दिए हो ना, तो हमारी कैलकुलेशन क्या हो जाती है, थोड़ी ईजी हो जाती है, और इसमें थोड़ी ही कैलकुलेशन लंबी खींच जाती है। फर्स्ट पार्ट था, आइए देख लेते हैं सेकेंड पार्ट। देखिए दोस्तों, सेकेंड पार्ट है हमारा ये, ठीक है, क्या द फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीजर, पहले एन धनात्मक पूर्णांक, पहले एन यानी ये 1 2 3 कहां तक चलेंगे, एन तक चलेंगे, कोई फिक्स नहीं है जी। ठीक है, वही बात हमारी, ए कितना है 1 ही है, बी कितना है जी 1 है, और एन लास्ट में कितना है एन है। ठीक है, दोनों फॉर्मूले से इसको भी कर सकते हो आप लोग। ठीक है, हम करते हैं जी छोटे वाले से अपने, एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 ए प्लस के ए एन, यही होता है। ठीक है, तो एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2, ए की वैल्यू कितनी है 1 है, और ए एन कितना है जी एन, यही है, यही आ गया दोस्तों हमारा फॉर्मूला, सिंपल सी बात है।
इसमें और भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें जब भी हमें क्या दिया हो पहले n पॉजिटिव का सम निकालना हो, तो डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाता है जी हमारा ये। क्लियर है? इसको थोड़ा अच्छे से लिखो तो क्या लिख सकते हो, n n प्लस वन और डिवाइड में टू। ये फॉर्मूला बनता है जी, आपने छोटी क्लास में भी देखा होगा कि सम ऑफ द n पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है? तो ये बनता है हमारा फॉर्मूला। दोस्तों यहाँ खत्म हुआ अपना क्वेश्चन नंबर 14। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। डाउट रहा है तो नीचे कमेंट कीजिए, या फिर फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करके डाउट पूछ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।